Hello everyone, I am Ebadur Rahman and in this video I am going to explain exercise 1A of class 9th mathematics. In this video we will discuss about the rational number and properties of rational number. So first we will discuss about the some topic related to this exercise, then we will back to the exercise 1A. So start rational number. What is rational number? Definition of rational number. A rational number is any number that can be named in the form of a upon b, where a and b are integers and b is not equal to 0. Means कोई भी number इस तरीके का हो जिसको ऐसे explain किया जाए कि वो numerator upon denominator के form में express हो जाए, जहाँ पर a and b means numerator and denominator both are integers, दोनों integers हो, एंड b इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो मीन्स डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए. जैसे 3/5, ये a अपॉन b के फॉर्म में, 3/5 a अपॉन b के फॉर्म में, a एंड b दोनों इंटीजर है, 3 एंड 5 दोनों आपका इंटीजर है एंड डिनोमिनेटर नॉन ज़ीरो है, ये ज़ीरो नहीं है ना, सो ये आपका रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा. सेम एज ईयर -5/8 इज ऑल्सो एज अ रेशनल नंबर. वाई? It is in the form of numerator upon denominator, both are integer and denominator not equal to 0. Simply 7 suppose कर लीजिए, तो 7 को हम लिख सकते हैं 7/1. ये a upon b के फॉर्म में आ गया, numerator upon denominator के फॉर्म में, एंड दोनों इंटीजर है, numerator भी इंटीजर है, denominator भी इंटीजर है एंड denominator आपका 0 नहीं है. सेम एज हियर, ये सारे क्या है आपके रेशनल नंबर है. द स्क्वायर रूट ऑफ एवरी परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज अ रेशनल नंबर. अब यहाँ पे समझिएगा, ऐसा नंबर का स्क्वायर रूट जो नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर हो, जैसे 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा तो ये आपका रेशनल नंबर है. 9 का स्क्वायर रूट हो सकता है 3, तो ये भी रेशनल नंबर है. 16 का स्क्वायर रूट 4, सो ये भी रेशनल नंबर है. एंड 25 का स्क्वायर रूट 5, सो ये भी रेशनल नंबर है. अगर से स्क्वायर रूट ना हो पाए तो वो आपका रेशनल नंबर नहीं है. जैसे हम ये कह दें रूट ऑफ 7, तो इसका स्क्वायर रूट नहीं हो सकता, तो रूट 7 आपका रेशनल नंबर नहीं है. ठीक है, इसका स्क्वायर रूट 2 हो गया, हम इसको 2/1 लिख सकते हैं. ये a अपॉन b के फॉर्म में आ गया, दोनों इंटीजर और डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो ये सारे नंबर आपके रेशनल नंबर के फॉर्म में कहलाएंगे. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर. फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज इजी टू वेरीफाई दैट द सेट Q ऑफ ए रेशनल नंबर इज क्लोज्ड फॉर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन एक्सेप्ट वेन द डिविजर इज ज़ीरो, डिवाइजर इज ज़ीरो. अब इसमें एक वर्ड आया क्लोज्ड फॉर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन. क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है? जैसे सपोज कर लीजिए आपके पास दो नंबर है a एंड b, तो अगर से दोनों को ऐड करने पर आपको रेशनल नंबर मिले तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है. अगर a और b आपका इंटीजर है और a प्लस b इंटीजर मिल जाए तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी है. a एंड b इंटीजर है या a एंड b रेशनल नंबर है, इनको मल्टीप्लाई किया जा रहा है और आपको रेशनल नंबर मिल जाए तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाएगी. मीन्स अगर दोनों नंबर रेशनल नंबर हैं और उनके ऊपर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का रूल अप्लाई करने पर भी जो रिजल्ट आपको मिले वो भी आपका रेशनल नंबर हो, या इंटीजर को ऐड करने पर इंटीजर मिले या सब्ट्रैक्ट करने पर इंटीजर मिले, इसी तरीके का रेशनल नंबर मिले, तो वो प्रॉपर्टीज आपकी क्या कहलाएगी? क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाएगी. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर से कोई सेट क्यू आपका रेशनल नंबर है तो ये क्लोजर होता है किस पर? किस पर? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पर. लेकिन डिवीजन के साथ एक शर्त यह है कि डिवाइजर आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तब वरना वो आपका क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करेगा. नाउ 3/4, 5/7, ये दोनों आपका रेशनल नंबर है, इसको ऐड किया जो रिजल्ट मिला वो भी आपका रेशनल नंबर है. मीन्स ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है. 3/4 -5/7, अब यहाँ पे सब्सट्रैक्शन है, जो रिजल्ट आया वो भी रेशनल नंबर है, तो ये आपका सब्सट्रैक्शन भी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है. 3/4 (5/7), इनको मल्टीप्लाई किया जो रिजल्ट आपको मिला वो भी रेशनल नंबर है, ये भी आपका क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है. सेम एज ये 3/5/5/7, जो रिजल्ट मिला वो भी आपका रेशनल नंबर है, सो डिवीजन भी आपका रेशनल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है. तो रेशनल नंबर जो होते हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टीज होल्ड करते हैं ऑन
एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। बट डिवीजन के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि डिनोमिनेटर आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए, किसी का भी डिनोमिनेटर आपका ज़ीरो नहीं है। ठीक है, ये दोनों फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं है, तो क्लोजअप प्रॉपर्टी डिवीजन को तभी होल्ड करेगी जबकि डिनोमिनेटर आपका ज़ीरो नहीं हो। दस व्हेन अ रेशनल नंबर इज डिवाइडेड बाय टू नॉन जीरो रेशनल नंबर द रिजल्ट इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। मीन्स अगर से डिनोमिनेटर नॉन जीरो हो और दोनों रेशनल नंबर को डिवाइड किया जाए तो रिजल्ट भी आपका रेशनल नंबर मिलता है। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी, द सेट ऑफ रेशनल नंबर इज कमुटेटिव फॉर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। कमुटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें ऑर्डर को बदल दिया जाए तो भी वो उस रूल को फॉलो कर रहा हो, उस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा हो। जैसे हम ये कह दें ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। मीन्स अगर हमने ऑर्डर को चेंज कर दिया तो भी हमारे रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, रिजल्ट सेम मिलेगा। यहाँ पर 1/5 प्लस 3/5 इज इक्वल टू 3/5 प्लस 1/5, चाहे 1/5 को पहले लिखें 3/7 को बाद में, या 3/7 को पहले लिखें 1/5 को बाद में, दोनों कंडीशन में जो ऐड करने पर रिजल्ट मिल रहा है वो सेम आ रहा है, तो ये कहेंगे कि एडिशन प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव होती है। क्लियर, रेशनल नंबर के लिए सेम एज ईयर 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 3/7 या 3/7 मल्टीप्लाइड बाई 1/5, दोनों कंडीशन में जो रिजल्ट है वो 3/35 है, अभी भी रिजल्ट सेम है, तो मल्टीप्लीकेशन भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। देखिए यहाँ पे सिर्फ दो प्रॉपर्टी यूज़ की गई है, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, आपका सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन नहीं है, क्योंकि सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है। आइए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि ऐड करके रिजल्ट आपको सेम मिलना है। आप ये जानते हो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है ना, जैसे हमने कह दिया 3+2 इज इक्वल टू 2+3 इज इक्वल टू 5 मिलना है, बट सब्सट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। देखिएगा ए माइनस बी नॉट इज इक्वल टू बी माइनस ए, ऐसा क्यों नहीं होगा, करके देखा जाता है। ए माइनस बी की अगर वैल्यू निकाली जाए, सपोज कर लीजिए ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 2, आपने सब्सट्रैक्ट किया 1, आपको रिजल्ट मिला। अब अगर हम इसी को b माइनस ए कर लेते तो 2 पहले आता, 2-3 इज इक्वल टू -1 मिला। अब देखिए 1 एंड -1 डिफरेंट साइन है ना, तो आप कैसे कह सकते हो कि दोनों इक्वल है, दोनों अलग अलग वैल्यू मिल रही है, एक की वैल्यू +1 है, एक की वैल्यू -1 है, तो जो सब्सट्रैक्शन होता है वो आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है। क्लियर, इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में ए मल्टीप्लाइड बाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड बाई ए होता है। जैसे 3 × 2 करें या 2 × 3 करें, दोनों कंडीशन में आपको रिजल्ट क्या मिलना है, सी मिलना है। बट अगर हम ए डिवाइडेड बाई बी कर लें, ए डिवाइडेड बाई बी, तो हमको क्या मिलेगा 3/2, एंड बी डिवाइडेड बाई ए करने पर 2/3, तो ये रिजल्ट अलग अलग है ना। 3/2, 2/3 कहाँ सेम है, ये 3/2 है, ये 2/3 है, वैल्यू डिफरेंट है। इसकी वैल्यू 1.5 मिलेगी, इसकी वैल्यू 0.66 मिलेगी, 1.5 मिलेगी और इसकी वैल्यू 0.66 मिलेगी, तो दोनों अलग अलग वैल्यू मिल रही तो रिजल्ट आपका सेम नहीं है। इसलिए सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन जो होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है, जबकि एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन सिर्फ दो ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। तो दो प्रॉपर्टी हो गई, पहली क्लोजअप प्रॉपर्टी एंड दूसरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, द सेट ऑफ रेशनल नंबर इज एसोसिएटिव फॉर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। फिर से यहाँ देखिए एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन आ रहा है, जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है सिर्फ दो ही ऑपरेशन पर सेटिस्फाई होती है, किस पे, एडिशन पर एंड मल्टीप्लीकेशन पर। मीन्स यहाँ पर भी आपका सब्सट्रैक्शन एंड डिविजन नहीं आएगा। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर रेशनल नंबर पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की कैरेक्टर को देखा जाएगा। सपोज कर लीजिए आपके पास कोई 3 नंबर्स है, ए बी एंड सी। अगर हमने ऐसा कर लिया कि ए प्लस बी प्लस सी, ओके, तो ये आपका इक्वल होगा ए प्लस बी प्लस सी के। मीन्स आपको रिजल्ट जो मिलना है वो अभी भी ए प्लस बी प्लस सी ही मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी। बट अगर हमने यहाँ पे ये किया था कि पहले ए और बी को ऐड किया था, बाद में सी को ऐड किया था, और यहाँ पर पहले बी और सी को ऐड कर लें, बाद में ए को ऐड करें, तो रिजल्ट आपको सेम मिलना। जैसे 1+2 पहले ऐड किया जाए, बाद में 3 इसमें ऐड किया जाए, या तो फिर पहले 2 एंड 3 को ऐड किया जाए और बाद में 1 को ऐड किया जाए। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1+2 3+3 6, और यहाँ पर 3+2 1 5 और 1 6,
तो दोनों इस कंडीशन में आपको रिजल्ट क्या मिलना है, 6 मिलना है। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में ए मल्टीप्लाइड बाई बी पहले कर लें, मल्टीप्लाइड बाई सी बाद में, या ऐसे कर लिया जाए कि पहले बी और सी को मल्टीप्लाई कर लिया जाए, बाद में ए को मल्टीप्लाई किया जाए, तो भी आपको रिजल्ट सेम आना है। जैसे 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, या सॉरी 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू, अभी भी रिजल्ट आपको 6 मिलना है। 2 वन जे 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, 3 टू जे 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। तो एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो आपके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, बट सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता। आपको एग्जांपल रख के चेक कर लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन पे होल्ड होगी कि नहीं। सब्सट्रैक्शन कैसे होगा, ए माइनस बी माइनस सी, और ए माइनस बी माइनस सी, यहाँ पे बी और सी को सब्ट्रैक्ट करें, यहाँ ए और बी को सब्ट्रैक्ट करें, बाद में दूसरे वाले को, तो ये नहीं पॉसिबल है, ये आपकी वैल्यू सेम नहीं होगी। इसी तरीके से डिवीजन के लिए बात हो जाए, डिवाइडेड बाय सी नॉट इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी डिवाइडेड बाय सी, दोनों कंडीशन में आपको रिजल्ट डिफरेंट मिलेगा। तो ये दो प्रॉपर्टी एसोसिएशन में नहीं होल्ड होती है, सिर्फ फर्स्ट एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ओके, नाउ रेशनल नंबर पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैसे कैसे होल्ड होती है, आइए उसका एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, 1 अपॉन 2 एंड 1 अपॉन 3 को ऐड किया गया, बाद में 1 अपॉन 4 को ऐड कर लिया गया, या तो फिर 1 अपॉन 3 1 अपॉन 4 को पहले ऐड कर लिया जाए और बाद में 1 अपॉन 2 को ऐड किया जाए, मीन्स ब्रैकेट टर्म दोनों साइड पहले ऐड हो रहा है। तो इस कंडीशन में जो आपको रिजल्ट मिलेगा और इस कंडीशन में जो आपको रिजल्ट मिलेगा, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। आप चाहिए तो इसकी वैल्यू सॉल्व करके देख सकते हैं, आपको वैल्यू सेम मिलनी है। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन के साथ भी कंडीशन है, चाहे हम फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करें, बाद में थर्ड टर्म मल्टीप्लाई करें, या तो फिर थर्ड एंड सेकेंड टर्म को पहले मल्टीप्लाई कर लें, बाद में फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट आपको अभी भी यहाँ पर सेम मिलना है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन पे सेटिस्फाई होती है, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन पे नहीं। आइडेंटिटी एलिमेंट 0 एंड 1 एग्जिस्ट फॉर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन रिस्पेक्टिवली। जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो जीरो के लिए, एडिशन के लिए जीरो होता है, और मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बेसिक है, बट इसका यूज़ बहुत कम होता है, ये वर्ड बहुत कम यूज़ होता है, इसलिए इसको आप जाने रहिएगा हमेशा। जो ज़ीरो होता है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है फॉर एडिशन, और जो 1 होता है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसका सेंस क्या है, ये एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए आपके पास एक नंबर है ए, तो अगर इसमें हमने ज़ीरो को ऐड कर लिया तो रिजल्ट क्या मिलना है, आपको ए मिलना है ना, या ज़ीरो में ए को ऐड कर दें तो रिजल्ट क्या मिलना है, ए मिलना है। तो ये आई क्या कहलाएगा, ज़ीरो क्या कहलाएगा, आपका आइडेंटिटी एलिमेंट। जैसे 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 4 इज इक्वल टू क्या मिलना है, हमको 4 मिलना है। तो वही नंबर फिर से मिल जाए जिस नंबर के साथ ज़ीरो को ऐड किया गया है, तो आपको ज़ीरो क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। मीन्स यहाँ पर ज़ीरो से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ज़ीरो उसी नंबर को फिर से शो करेगा यहाँ पर रिजल्ट के फॉर्म में, यानी कि 4 प्लस 0 या 0 प्लस 4 होने पर आपको 4 भी रिजल्ट मिलता है। तो 0 क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन के साथ हो, a मल्टीप्लाइड बाई 1 या 1 मल्टीप्लाइड बाई a इज इक्वल टू आपको क्या मिलना है, a मिलना है। जैसे 4 का मल्टीप्लाई 1 में करें या 1 का मल्टीप्लाई 4 में करें, आपको रिजल्ट क्या मिलना है, 4 मिलना है। तो अगर से मल्टीप्लाई करते वक्त किसी नंबर से वही रिजल्ट फिर से आ जाए जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है, वो 1 क्या कहलाएगा, आपका आइडेंटिटी एलिमेंट। बट ज़ीरो में क्या हो, एडिशन में क्या होगा, ज़ीरो एज ए आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ज़ीरो के साथ इस नंबर की आइडेंटिटी ख़त्म नहीं होती, यहाँ पर 1 के साथ इस नंबर की आइडेंटिटी ख़त्म नहीं होती है। बट ज़ीरो का यूज़ कब होता है आइडेंटिटी एलिमेंट के फॉर्म में, जब एडिशन होगा, और 1 का यूज़ कब होगा आइडेंटिटी एलिमेंट के फॉर्म में, जब मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ये याद रखिएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ज़ीरो फॉर एडिशन 0 होगा, एंड आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन 1 होगा। क्लियर, ओके। अब यहाँ पे देखिए, इनवर्स की दो प्रॉपर्टी होती है, एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स का मतलब जस्ट अपोजिट रिजल्ट। फॉर एवरी रेशनल नंबर ए देयर एग्जिस्ट ए रेशनल नंबर माइनस ए सच दैट माइनस ए एंड प्लस ए इज इक्वल टू 0।
इस तरीके का नंबर अगर से दोनों को ऐड करने पर ज़ीरो मिल जाए तो माइनस ए क्या कहलाएगा, इसका एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा। ऐड करते वक्त जो जस्ट अपोजिट है, जो ज़ीरो ला दे वो एडिटिव इन्वर्स होगा। जैसे 3 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -3। 4 का एडिटिव इन्वर्स -4, क्योंकि 4 एंड -4 को ऐड करने पर ज़ीरो रिजल्ट मिलता है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होगा, फॉर एवरी रेशनल नंबर ए देयर एग्जिस्ट रेशनल नंबर 1/a सच दैट ए मल्टीप्लाइड बाई 1/a इज इक्वल टू 1। मीन्स ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाए तो वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएंगे। और ऐसे दो नंबर जिनको ऐड करने पर 0 मिल जाए, वो दोनों नंबर एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, एडिटिव इन्वर्स कहलाएंगे। तो एडिटिव इन्वर्स में क्या होगा, सिर्फ माइनस साइन का यूज़ होगा, और मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स में क्या होगा, उसका रिसिप्रोकल कर देंगे। जैसे 4 का एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा -4 और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा 1/4। क्लियर? नाउ अब यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। 5/8 है, इसका एडिटिव इन्वर्स कितना हो जाएगा, -5/8। बट अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना होता तो इसका रिसिप्रोकल कर देते, 8/5 हो जाता, ठीक है ना, क्योंकि इसको और इसको ऐड करने पे 0 आ रहा है। तो आप ये कहिएगा -5/8 इज़ एडिटिव इन्वर्स ऑफ 5/8। इसी तरीके से 5/8 इज एडिटिव इन्वर्स ऑफ -5/8, मीन्स इसका एडिटिव इन्वर्स ये हुआ और इसका एडिटिव इन्वर्स ये हो जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में बोला है कि अगर से किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 1 मिल जाए तो वो दोनों नंबर एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएंगे। 3/8 एंड 8/3 दोनों को मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया आपने, 1 मिल गया। तो 8/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 3/8 और 3/8 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 8/3। द प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिविटी होल्ड इन द सेट ऑफ रेशनल नंबर। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे होल्ड करती है वो जरा से देख लीजिएगा। सपोज 2/7 मल्टीप्लाइड बाई 1/6 प्लस 1/9, तो इस मल्टीप्लीकेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओवर एडिशन, मीन्स ये मल्टीप्लीकेशन दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 2/7 मल्टीप्लाइड बाई 1/6, उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस आएगा, 2/7 मल्टीप्लाइड बाई 1/9। अगर से यहाँ पे माइनस का साइन होता तो यहाँ पे माइनस आ जाता। हम मल्टीप्लाई करते दोनों में, बट बीच में यहाँ पे अगर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लिखा जाता और माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लिखा जाता। तो जो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन है, तो इस तरीके से ये होगी, इसको समझ रहिएगा। नो डेंसनेस प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, बिटवीन एनी टू डिफरेंट रेशनल नंबर देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर। दो दिए गए रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। अब अगर से इनफाइनाइट रेशनल नंबर होंगे तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आपने रिजल्ट निकाला है वो आपकी बुक के रिजल्ट से मैच कर जाए। मीन्स आपका रिजल्ट और बुक का रिजल्ट कुछ डिफरेंट हो सकता है। इनफाइनाइट में से कोई 2-3 रिजल्ट ही बुक में आएंगे ना। तो यहाँ पर सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि जो आपने रेशनल नंबर निकाला है वो गिवन नंबर के बीच में है या नहीं है। अगर से बाहर होगा तो आपको कुछ करेक्शन करना होगा। अगर से उसी दोनों नंबर के बीच में रेशनल नंबर आपने फाइंड किया तो आपका रिजल्ट करेक्ट होगा। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 1/5 एंड 7/10। अब देखिए रेशनल नंबर निकालने के बहुत से मेथड हैं। फर्स्ट एग्जांपल में आपको इसके बीच में एक रेशनल नंबर निकालना है। तो सबसे पहला काम रेशनल नंबर निकालने का तरीका ये होता है कि यू मे चूज़ एनी नंबर 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 एक्सेट्रा। आप कोई भी नंबर इसके बीच में सेलेक्ट कर सकते हैं 1/5 to 7/10 के बीच में। सपोज यू चूज़ द नंबर 1/4 ऑफ द वे फ्रॉम 1/5 to 7/10। तो अब इसके बीच में जो हमें 1/5, 1/2, 1/3 नंबर फाइंड करना है, तो उसके लिए सपोज कर लीजिए जो भी नंबर आप फाइंड करिएगा 1/5 प्लस आपने 1/4 सपोज किया है, तो 1/4 प्लस सम ऑफ दिस, सॉरी डिफरेंस ऑफ दिस टू नंबर, ग्रेटर डिजिट माइनस स्मॉलर डिजिट। हम इसको सॉल्व कर लें, आपको रिजल्ट क्या मिलना है, 1/5 सेम एज, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 10, बाकी कैलकुलेट करने पर आपको रिजल्ट मिल गए 1/2, ये सॉल्व हो जाएगा 1/5 प्लस 1/8, फिर से एलसीएम होगा 40, 13/40 रिजल्ट आपको मिल गए। बस आपको ये चेक करना है कि 13/40 इस दोनों नंबर के बीच में है कि नहीं है। वैल्यू मिल जाएगी अगर आपको दोनों के सेम में, तो बस आंसर आपका सही हो गया। वन रेशनल नंबर बिटवीन 1/5 to 7/10 इज 13/50। सपोज कर लीजिए आपको ये नंबर नहीं चाहिए था, आपको कोई 1/5 नंबर चाहिए था, 1/2 नंबर चाहिए था, 1/3 नंबर चाहिए था, तो यहाँ पर हम 1/2, 1/3, 1/5 को यूज़ कर सकते थे, रिजल्ट हमको तब भी मालूम हो जाता।
अब ये सेकेंड मेथड है रेशनल नंबर को फाइंड करने का, टू फाइंड मेनी रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर, मीन्स दो दिए गए नंबर के बीच में बहुत से रेशनल नंबर आपको फाइंड करना, तो उसके लिए क्या यूज़ होगा, लेट द गिवन रेशनल नंबर बी ए एंड बी, देन फर्स्ट रेशनल नंबर इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ दीज टू नंबर। अब क्यू वन मालूम हो गया ना, जो भी क्यू वन की वैल्यू आएगी उसको बी के साथ भी आप ले सकते हैं, ए के साथ भी ले सकते हैं। तो सेकेंड रेशनल नंबर 1/2 क्यू वन प्लस बी, फिर थर्ड रेशनल नंबर 1/2 जो क्यू टू की वैल्यू आई क्यू टू प्लस बी, या फोर्थ रेशनल नंबर 1/2 क्यू थ्री प्लस बी। इस तरीके से आपको क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री मालूम हो जाएगा, उसका यूज़ आप नेक्स्ट नंबर में कर सकते हैं। अच्छा ये भी हो सकता है कि आपने यहाँ पे जैसे बी का यूज़ किया ना, सब जगह बी ऐड हो रहा है, आप ए को भी ऐड कर लीजिए, आपको रिजल्ट वैसे ही मिल जाएगा। कुछ भी कर सकते हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने 1/2 क्यू वन प्लस बी किया या क्यू वन प्लस ए किया है, रिजल्ट सेम आना है। एक एग्जाम्पल को इसको देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, गिव थ्री रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 1/3 एंड 1/2। कितने रेशनल नंबर आपको निकालने, थ्री रेशनल नंबर निकालने। तो सबसे पहला काम, फर्स्ट रेशनल नंबर का मतलब हो गया 1/2 सम ऑफ दीज टू रेशनल नंबर, तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/2। इसको एलसीएम लेना है आपको 5/6, यानी कि फर्स्ट रेशनल नंबर मिल गया 5/12। तो ये 5/12 जो इस दोनों के बीच में है ना, तो 1/3, 5/12, 1/2, ये थ्री रेशनल नंबर हो गए। अब आपको क्या करना है, जो काम यहाँ पे किया है कि दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई टू कर लिया, सेम प्रोसेस नेक्स्ट स्टेप में आप इस दोनों को ऐड कर लीजिए डिवाइडेड बाई टू कर लीजिए, या इस दोनों को ऐड कर लीजिए डिवाइडेड बाई टू कर लीजिए, आपको दो रेशनल नंबर और मालूम हो जाएगा। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 1/3 5/12 को ऐड किया, हाफ से टू से डिवाइड कर लिया, रिजल्ट मिल गए। ये हो गया ऐसे, एक और आप ले सकते हैं, इस दोनों को ले सकते हैं, इसको इसको ले सकते हैं, इसको इसको लेने से तो ये मिला था, इसको ले लीजिए या इसको इसके बाद वाले 1/2 के साथ सॉल्व कर लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अच्छा हो सकता है आप कुछ अलग मेथड अप्लाई करें तो आपको ये रिजल्ट ना मिले, आपको अलग तरीके का नंबर मिल जाए, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर होते हैं, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था। तो इनफाइनाइट में से कोई भी 2, 3, 5 नंबर जो भी आपसे पूछा जा रहा है वो वैल्यू आपकी आ जाएगी, बट ये कोई ज़रूरी नहीं ना कि आपकी वैल्यू बिल्कुल बुक के आंसर से मैच कर रही हो, डिफरेंट हो सकती है, बट कंडीशन बस इतनी है कि इस दोनों के बीच का नंबर ही हो, इसके बाहर का नंबर नहीं होना चाहिए। एक ये शॉर्टकट मेथड आपकी बुक में दिया गया है, इफ़ ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी आर टू डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर, देन ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन ए अपॉन सी एंड बी अपॉन डी, देयरफॉर अ रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन टू डिस्टिंक्ट गिवन रेशनल नंबर इज इजली ऑब्टेंड ऑन एडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। दस इन द एबव एग्जाम्पल, सपोज वी हैव टू गिवन रेशनल नंबर 1/3 एंड 1/2, सो अ रेशनल नंबर बिटवीन दिस टू नंबर सम ऑफ न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 2/5। बट ये मत समझिएगा कि ये किसी फ्रैक्शन को सॉल्व करने का मेथड हुआ, नहीं ना, ये सिर्फ रेशनल नंबर फाइंड करने का मेथड है। आप लोग अक्सर ये कर लीजिएगा कि जहाँ भी फ्रैक्शन दिखेगी न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर ऐड कर दिया, वो रूल नहीं होता है सिंप्लीफिकेशन का। यहाँ पर रेशनल नंबर फाइंड करना, इसलिए ये शॉर्टकट मेथड बोला गया कि ये भी मेथड है जिसके तरीके से हम रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? तो इसको और उसको कंफ्यूज मत होइएगा कि फ्रैक्शन सॉल्व करने का ये मेथड है, ये सिर्फ और सिर्फ रेशनल नंबर फाइंड करने का है। इसी मेथड पे देखिए, एक रेशनल नंबर यहाँ पे निकाला गया, फाइंड फोर रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/3। तो Q1 क्या हो गया, 1/2 सम ऑफ दीज टू फ्रैक्शन, इसको ऐड किया 7/24 हो गए। अब ये मालूम हो गए, अब आप 1/4 7/24 को लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, और 7/24 1/3 को भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। देखिए यहाँ पे इन्होंने एक बार इसको और इसको लेके सॉल्व किया, Q2 मालूम हो गए, एक बार इसको और इसको लेके सॉल्व किया तो Q3 मालूम हो गए। अब आपको Q1 मालूम हो गया, Q2 मालूम हो गया, Q3 मालूम हो गया, इसी तरीके से एक और निकाल लीजिएगा तो Q4 भी आपको रिजल्ट मालूम हो जाएगा। क्लियर? तो एक मेथड तो ये हो गया। एक मेथड जो ज़रा सा स्टैंडर्ड वाला मेथड है वो आइए देखते हैं वो क्या होगा, लेकिन इस मेथड को खूब अच्छे से समझिए। द फॉलोइंग इज द बेटर मेथड, सपोज यू हैव टू फाइंड एन रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर ए एंड बी। इस मेथड से आपकी बुक का आंसर 100% मैच हो जाएगा। फाइंड द गैप बिटवीन ए एंड बी, दिस इज इक्वल टू बी माइनस ए, डिवाइड द गैप टू
into n plus 1 is smaller equal gap by dividing b minus a by n plus 1 means इसके बीच में जितने रेशनल नंबर निकालने हैं उसके n plus 1 से डिवाइड करने. सपोज 5 रेशनल नंबर निकालने हैं तो 5 plus 1 means 6 से डिवाइड करेंगे. सपोज कर लीजिए आपको 12 रेशनल नंबर निकालने हैं तो 12 plus 1 means 13 से डिवाइड करेंगे. तो जो जितने भी रेशनल नंबर निकालने हैं उससे एक ज़्यादा से डिवाइड करना है. ओके, डिवाइड होने के बाद आपको ये गैप मालूम हो गया कि इक्वली डिवाइड हो गए. अब क्या करना है, फर्स्ट रेशनल नंबर की जो वैल्यू दी गई है वो प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई ये गैप, प्लस ए प्लस टू मल्टीप्लाइड बाई गैप, फिर ए प्लस थ्री मल्टीप्लाइड बाई गैप, फिर ए प्लस एन मल्टीप्लाइड बाई गैप. इस तरीके का काम हम लोगों को करना है. जैसे आइए देखते हैं. सबसे पहला काम, एक रेशनल नंबर है 1/3 एंड 1/2, तो सबसे पहला काम इसके बीच का गैप निकालेंगे. b माइनस ए 1/2 माइनस 1/3 सॉल्व किया 1/6 है. आपको कितने रेशनल नंबर यहाँ पे निकालने हैं, सपोज 7 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो डिवाइड कितने से करना पड़ेगा, n प्लस 1 मीन 7 प्लस 1, हमको 8 से इसको डिवाइड करना होगा. अच्छा, सेकेंड स्टेप में क्या किया है, डिवाइड द गैप 7 प्लस 1 8, वी गेट 1/6 डिवाइडेड बाई 8. 1/6 क्या आया था, गैप आया था आपको ना, 1/6 इसको कैलकुलेट कर लिया 1/48. अब ये आपका b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1 की वैल्यू मालूम हो गई. अब फर्स्ट रेशनल नंबर के लिए क्या होगा, a, ये a की वैल्यू है a प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1/48, फिर a प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/48, प्लस a 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/48. इस तरीके से आप सारे रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं. क्लियर, इसी तरीके का एक एग्जांपल और है आपका, तो सारे एग्जांपल ज़रूर देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इस चैप्टर को एक्सरसाइज लगाने से बेटर है आप इसके पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, एग्जांपल को सॉल्व करिए, उसके बाद एक्सरसाइज पे प्रैक्टिस कर लीजिए. चैप्टर में कुछ नहीं है बट ये सब चीज़ें आपने इससे पहले नहीं पढ़ा है, इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है. नाउ हियर, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन और ए रेशनल नंबर मीन्स किसी भी रेशनल नंबर को डेसिमल के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा. सपोज आपके पास दो रेशनल नंबर है 5/8 एंड 7/11, हमने दोनों को डिवाइड किया उसके डिनोमिनेटर से, 5 डिवाइडेड बाई 8, तो हमको क्या रिजल्ट मिला, 0.625. आप जैसे डिवाइड करते हैं वैसे डिवाइड करते चले आए, लास्ट में कैंसिल हो गया तो रिमाइंडर आपको क्या मिला, 0. तो 5/8 की जगह हम लिख सकते हैं 0.625. इसी तरीके से 7 को डिवाइड किया 11 से, डिवाइड करते चले आए, हमको 7 एज ए रिमाइंडर मिला. देखिए यहाँ पे डिवाइड किया 11 6 66, 4 एज ए रिमाइंडर, फिर 11 3 33, 7 एज ए रिमाइंडर, 11 6 66, 4 एज ए रिमाइंडर, 11 3 33, 7 एज ए रिमाइंडर. मीन्स आपको रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 4 7 4 7. आगे जाए उसके बाद फिर से हमको 4 7 4 7 कंटिन्यू अगर ये प्रोसेस करते रहे तो मिलता रहेगा, मीन्स कभी भी ये कैंसिल नहीं होगा. तो अगर कैंसिल नहीं होगा तो 7/11 को आप लिख सकते हैं 0.636363, जो भी रिजल्ट ऊपर आपको मिल रहा है. डॉट डॉट इसलिए लगा दिए क्योंकि ये माना जा रहा है इसी पैटर्न पे आपको रिजल्ट आगे भी मिलते रहेंगे. अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझिएगा. इन द डिवीजन ऑफ 5/8 द कोशेंट इज 0.625 इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल. अगर से डिवाइड करते चले जाएं और लास्ट में आपको नंबर कट जाए, मीन्स पूरे पूरे फ्रैक्शन आपका सिंप्लीफाई हो जाए, डिवाइड हो जाए, लास्ट में फ्रैक्शन का रिमाइंडर क्या मिल जाए, 0 मिल जाए, तो इस डिवाइड करते 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 हमको लास्ट में वो नंबर पूरा कैंसिल हो जाए या रिमाइंडर 0 मिल जाए, तो वो टर्म आपका क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा. ये वर्ड याद रखिएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल. टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब वो नंबर आपका ख़त्म हो जाए या रिमाइंडर क्या मिल जाए, आपको 0 मिल जाए. बिकॉज द डिवीजन प्रोसेस टर्मिनेट व्हेन अ फाइनल रिमाइंडर ऑफ द 0 इज रीच्ड. क्योंकि ये प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो जाती है जबकि आप कहाँ पे रिमाइंडर पे पहुँच जाते हैं, 0 पे पहुँच जाते हैं. तो इस तरीके का डेसिमल नंबर क्या कहलाएगा, आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा. टर्मिनेटिंग वर्ड को याद रखिएगा, टर्मिनेट का मतलब ख़त्म हो जाना, ये लास्ट में आपको 0 का मिल जाना. इन द डिवीजन ऑफ 7/11 ऑन द अदर हैंड द कोशेंट इज 0.636360 इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. इस तरीके के जो रिजल्ट होंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहला रहे हैं. अच्छा, इसको क्या बोला गया था, टर्मिनेटिंग डेसिमल मीन्स ख़त्म हो जा रहा था. इसको क्या बोला जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि ये ख़त्म नहीं हो रहा है. द डिवीजन प्रोसेस नेवर टर्मिनेट बिकॉज द रिमाइंडर 4 एंड 7 प्रिंटेड इन बोल्ड कीप अपेयरिंग एंड द रिमाइंडर ऑफ 0 इज नेवर रीच्ड.
क्योंकि यहाँ पर जो देखिए 4 7 4 7 इसको बोल्ड लेटर में लिख दिया गया है, डार्क है इसलिए क्योंकि ये कभी भी ख़त्म नहीं हो रहे हैं, हमेशा 4 7 4 7 ही आपको मिल रहे हैं, और इस तरीके से हम करते रहें तो कभी भी हमको रिमाइंडर ज़ीरो नहीं मिलेगा। द क्वेश्चन इज कॉल्ड रिपीटिंग डेसिमल, सेम नंबर रिपीट कर रहे हैं इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, रिपीटिंग डेसिमल। ये नॉन टर्मिनेटिंग है बिकॉज इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इन विच द सेम ब्लॉक ऑफ द डिजिट रिपीट विदाउट एंड। इस तरीके का नंबर या क्वेश्चन आपका डेसिमल क्या कहलाएगा, रिपीटिंग डेसिमल कहलाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। If you divide 23 by 16, you will get 23 by 16 1.4375. ये देखिए फिनिश हो गया तो ये टर्मिनेटिंग कहलाएगा। If you divide 2 by 13, you get 0.15386, 153846, 153846, ये नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग डेसिमल है। तो रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग डेसिमल इस बात पे डिपेंड करते हैं कि उसका लास्ट में रिमाइंडर जीरो मिल रहा है कि जीरो नहीं मिल रहा है। अगर से जीरो मिल रहा है तो टर्मिनेटिंग कहलाएगा, और अगर जीरो नहीं मिल रहा है तो फिर आप ये देखेंगे क्या नंबर सेम पैटर्न के बाद, सेम गैप के बाद फिर से रिपीट कर रहा है कि नहीं। अगर से फिर से रिपीट कर रहा होगा तो वो रिपीटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। अब देखिए 7/11 को आपने क्या लिखा, 0.636363। तो अगर से कोई नंबर रिपीट कर रहा होता तो उसको 0.63 बार लिख दिया गया। ये ऊपर एक लाइन बनी हुई है ना, बार मीन्स जो नंबर आपके रिपीट कर रहे हो तो उसके ऊपर क्या लगा दिया जाता है, बार लगा दिया जाता है। सेम एज ये 2/13, तो जब 2 को 13 से डिवाइड किया जाएगा तो 153846, 153846 इसके आगे डॉट लगा हुआ है, यानी कि इसी तरीके से नंबर आपको मिलता रहेगा। तो यहाँ पे क्या लिख दिया गया, 0.153846 इस पूरे नंबर के ऊपर बार लगा दिया गया, मीन्स ये पैटर्न आपका इतने ही गैप के बाद फिर से रिपीट होगा। तो ये क्या कहलाएगा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहलाएंगे। अच्छा, इसी चीज़ को जैसे बार लगाया गया तो बार ना लगा के डॉट भी लगाया जाता है, बट ये तो कंप्यूटराइज होता है इसलिए कंप्यूटर डॉट को एग्जैक्टली प्रिंट कर सकता है, बट आप जब मैन्युअली लिखिएगा, अपने पेन से लिखिएगा तो हो सकता है आपसे मिस्टेक हो जाए। तो आप ये डॉट का सेंस समझिएगा कि बार लगा हुआ, बट जब आप कॉपी में लिखिएगा तो लाइन बनाइएगा, ऊपर बार की लाइन बना दीजिएगा, तो मिस्टेक पॉसिबिलिटी कम होगी। यहाँ पे देखिए डॉट लगा हुआ है, 1 पे डॉट लगा दिया, 6 पे डॉट लगा दिया, मीन्स 1 से लेकर 6 तक के नंबर आपके रिपीट कर रहे हैं, बट जब आप कॉपी पे लिखिएगा तो आप 1 से लेकर 6 तक लाइन बना दीजिएगा ऊपर बार। एवरी रेशनल नंबर कैन बी नेम्ड आइदर अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल, या तो वो कंप्लीट हो जाएगा डिवाइड करते करते तो टर्मिनेटिंग कहलाएगा, और अगर से कंप्लीट नहीं हो रहा है तो वो रिपीटिंग डेसिमल कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। बट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उसके बीच में सेम इंटरवल के बाद फिर सारी चीज़ें रिपीट हो रही हो। ऑल टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल आर कॉल्ड रेशनल नंबर, ऐसे टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर जो हर पैटर्न के बाद सेम गैप के बाद अपने रिजल्ट को रिपीट कर रहे होंगे तो वो क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। बट अगर उनका रिपीटेशन सेम गैप के बाद ना हो, उसके गैप जो है वो इररेगुलर हो, एक जैसा गैप ना हो, तो वो क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। जो रेशनल नहीं है वो आपका इरेशनल कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 0.10100100010000001, यहाँ पे जो 1 आया वो सिर्फ सिंगल जीरो के बाद, फिर जो 1 आ रहा है डबल जीरो के बाद, फिर जो 1 आ रहा है वो ट्रिपल जीरो के बाद, इस तरीके से